Hello dear friends, today in this lecture we are going to learn chapter number 5, continuity. Before studying continuity, we are going to learn or get some information about different functions like modulus function. दोस्तों, मान लीजिए फंक्शन r from z f function from r to r plus f of x is equal to modulus x is called modulus function. दोस्तों, modulus function की जब हम बात करेंगे तो r is a domain and r plus is the codomain or range. मतलब ऐसे फंक्शन में रेंज ऑलवेज भी क्या होगी, पॉजिटिव एज वेल एज जीरो ऑल्सो. दोस्तों, मॉडुलस के बात करते हैं तो मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव. मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू माइनस इफ एक्स इज लेस देन जीरो. तो ध्यान में रखना है, यदि x नेगेटिव है तो मॉड्यूलस x को हम कंसीडर करेंगे माइनस x. माइनस का मतलब वो नेगेटिव ऐसा नहीं है, माइनस x मतलब पॉजिटिव, माइनस x का मतलब पॉजिटिव. आप कंसीडर करो x जो है वो जीरो से कम. मान लीजिए इफ वी टेक x इज इक्वल टू माइनस 1, वी सब्स्टिट्यूट x बाय रिप्लेस बाय माइनस 1, तो माइनस इनटू माइनस 1 वी गेट 1. तो मॉड्यूलस का मतलब ऑलवेज होता है पॉजिटिव, लेकिन अननोन है इसीलिए मैं माइनस यहां पर दिख रहा है. तो ये बात हो रही है मॉड्यूलस फंक्शन की. दोस्तों क्लियर? दूसरी बात है, दूसरा जो फंक्शन है उसे हम कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. एफ इज टू आर टू जेड f of x is equal to this way, then f is called greatest integer function. दोस्तों, greatest integer x का मतलब होगा integer, greatest integer among the integer which are not more than x. x से ज्यादा नहीं हो ऐसे जितने भी इंटीजर है उनमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर ये. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक 2.1, तो नंबर है क्या, आप देखिए नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. 2.1 यहां पर कंसीडर करते हैं. दोस्तों, अब 2.1 से आगे नहीं जाना है, तो 2.1 से लेस कौन से इंटीजर है, 2, 1, 0 एंड सो मेनी, उनमें से ग्रेटेस्ट कौन है, तो ग्रेटेस्ट नंबर 2. सो ये हियर वी राइट 2. यदि हम यहां पर लिखते हैं 2.9 तो इसका भी मतलब क्या रहेगा, 2. यदि हम लेते हैं 3 तो 3 इटसेल्फ इंटीजर, तो आंसर रहेगा 3. इफ वी टेक -1.9 -1.9 की बात करेंगे तो यहां पर 0, यहां पर -1 और यहां पर -2. -1.9 यहां पर दोस्तों, तो -1.9 से लेस मतलब नॉट मोर देन -1.9, उनसे कम वैल्यू जो है उसमें सबसे पहला इंटीजर क्या होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -2. ध्यान दीजिए इसकी जो वैल्यू है वो है -2. क्लियर? मतलब इन शॉर्ट ग्रेटेस्ट में आप जाए तो यदि फ्रैक्शन वैल्यू डेसिमल है
तो लेफ्ट साइड का पहला इंटीजर ही इसका आंसर है। यदि ये खुद इंटीजर है तो इसका आंसर भी इंटीजर रहेगा। क्या आप समझ सकते हैं दोस्तों? ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की फॉर्मूला है एक्स सॉरी एन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन एन प्लस वन, देयरफॉर बॉक्स एक्स इज इक्वल टू एन। इट इज ऑल्सो रिटन एज फ्लोर फंक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है? फ्लोर फंक्शन इज इक्वल टू एन, ये वैल्यू रहेगी। इसे बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऐसा एक फंक्शन है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की जब हम बात करेंगे तो यहां पर फंक्शन f इज टू r टू r प्लस यूनियन जीरो सॉरी r टू z। फंक्शन f इज टू r टू z f ऑफ x इज इक्वल टू दिस वे। इसे बोलेंगे सीलिंग फंक्शन। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स को हम कह सकते हैं यदि ये कंडीशन है तो, ये डोमेन और ये को डोमेन है तो। क्या मतलब इसका? इसका ये मतलब है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर अमंग दोज व्हिच आर मोर देन एक्स। माइंड इट दोस्तों, स्मॉलेस्ट इंटीजर व्हिच स्मॉलेस्ट इंटीजर अमंग दोज व्हिच आर ग्रेटर देन x। मतलब x से जो भी ज्यादा इंटीजर्स है उनमें से जो कम होगा वही होगा fx इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं 2.1, ध्यान से देखिए तो नंबर लाइन पर यहां पर 2 यहां पर 3 यहां पर 2.1 यहां पर है, तो यहां पर नहीं जाना है और राइट साइड जाना है। तो उस 2.1 से ज्यादा कितने इंटीजर्स हैं? तो 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अमंग दोज व्हिच वन इज स्मॉलेस्ट? नंबर 3। तो इसका आंसर होगा नंबर 3। मतलब यहां पर राइट साइड का पहला ही इंटीजर लेना है, लेकिन ये खुद इंटीजर है। सपोज यदि ऐसा है तो आंसर टू रहेगा। -2.1 यदि लेंगे तो देखिए -2.1 नंबर लाइन्स पर -2, -1, 0 एंड हियर -3। -2.1 की बात यहां पर है तो यहां से राइट साइड जाएंगे तो सबसे पहला इंटीजर कौन सा है? -2। तो आंसर होगा -2। यदि हम लिखते हैं 2/5 तो इसका मतलब होगा 0.4। तो 0.4 से ग्रेटर नंबर का पहला इंटीजर क्या होगा? 1। समझ रहे हैं ना? 0 यहां पर है और 1 यहां पर है, 0.4। तो 0.4 से राइट साइड में सबसे पहला इंटीजर कौन सा है? 1। तो यहां पर 1 रहेगा। दोस्तों इसकी जो फॉर्मूला है n -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू n, then greatest smallest integer x or ceiling function x is equal to n। यहाँ पर right side में जो है पहला integer वो लेना है और in this case left side में जो है वो greatest integer function में रहेगा। दोस्तों आप समझ रहे हैं ये MCQ purpose के लिए बहुत ही important topic है। यदि आपको ये समझ में नहीं आता है तो वीडियो दोबारा देखें और समझें किस तरह से हम इसे सुलझा सकते हैं। तो क्लियर डियर फ्रेंड्स? बहुत ही अच्छी तरह आपने ध्यान दिया है और आगे भी ध्यान रखना है।
अब हम टॉपिक में प्रवेश करते हैं। टॉपिक जो पहला है वो है कंटिन्यूटी। सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे व्हाट इज द कंटिन्यूटी एंड व्हाट इज द कंटिन्यूटी फंक्शन। कंटिन्यूटी का मतलब होता है दोस्तों मेंटेन रहना, नो डिक्रीजिंग नो इंक्रीजिंग, ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट, सही रहना है, स्टेबल रहना है, तो इसे हम कहेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर? तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आगे कंटिन्यूअस फंक्शन की। मान लीजिए एफ इज अ रियल फंक्शन विच इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सी इज इन डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, देन एफ इज कंटिन्यूअस इफ लिमिट x tends to c, f of x is equal to f of c। दोस्तों limitations कहेंगे limit x tends to c, f of x is equal to c, तभी function f जो है वो continuous माना जाएगा। दोस्तों more elaborately we say that left side limit, right side limit and the f of c are must be exist, पहले तो exist होने चाहिए। Second thing, all are must be equal, सभी equal होने चाहिए। Left side पे भी हम कहेंगे limit x tends to c minus f of x, right side पे भी हम कहेंगे limit x tends to c plus f of x which is equal to f of c। यदि ऐसा है या तो फिर ऐसा है तो हम कह सकते हैं फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c, देन वी कैन से दैट f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। क्या आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? अब इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में रिप्रेजेंट करेंगे।